हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स विद सतीश में। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे वो पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने लास्ट टाइम जो किया था वो एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व किया था। तो आज हम उसी 2.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक जहाँ हमने कम्प्लीट कर लिया था, आज हम उसी के आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसी के आगे सॉल्व करने का मतलब है अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, पहला पार्ट है x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 2। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। देखिए फैक्टराइज करेंगे कैसे करेंगे, पहले हमें देखते हैं इन दोनों में से कॉमन कुछ दिख रहा है हमें। देखिए स्क्वायर वाले क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज करना सीखा था लास्ट टाइम, कैसे करते थे, स्प्लिटिंग करते थे, मिड टर्म वाले को स्प्लिट करते थे, ब्रेक करते थे। अब यहां भी क्या करना होता है, क्यूब वाले को हमें फैक्टराइज करना होता है, तो उसका उसमें हम एक्स की वैल्यू पुट कर करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर सिंपल तरीके से भी हो जाता है तो सिंपल तरीके से भी कर लेंगे, वरना हम एक्स की वैल्यू पुट करके भी करेंगे। पहले तो देखिए सिंपल तरीके से हो रहा है, इन दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, क्या बच गया, एक्स माइनस का 2। ठीक है, इन दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है, माइनस का 1, एक्स माइनस 2। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कॉमन लेने पे जितना यहां पे है उतना ही यहां पे बन गया, तो हम इसको किस मेथड से कर लेंगे, कॉमन वाले मेथड से। ठीक है, इसमें हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कॉमन लेने के बाद यहां पे दोनों सेम ना हो तो उसके लिए तरीका हमारे पास दूसरा है। पहले तो हम इस तरीके को देखते हैं, तो एक्स माइनस 2 बाहर निकल गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो एक्स माइनस का 2, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये हमारा इसका टोटल फैक्टर हो गया। अब आप सोच रहे हो यानी बहुत जल्दी हो गया ये तो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में अगर आप इन दोनों से कॉमन लो क्या कॉमन मिलेगा, एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा, एक्स माइनस का 3। ठीक है, और इन दोनों से क्या कॉमन मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब माइनस का 1, 9x प्लस 5। क्या दोनों सेम है, नहीं सेम है। ठीक है, दोनों सेम नहीं है, मतलब ये मेथड इसमें अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसमें अप्लाई नहीं होगा, तो अब इसमें हम दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे, नए मेथड की तरफ जाते हैं। तो नया मेथड क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू पुट करके रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, 1 रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, माइनस 2 रखेंगे, 3 रख सकते हैं, माइनस 3 रख सकते हैं। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के चेक करेंगे, यानी एक तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, हिट करेंगे और ट्राई करेंगे। ठीक, यहां मारना नहीं है इसको, यहां पे हमें ट्राई करना है। ठीक है, मतलब वैल्यू पुट करनी है। तो पहले हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, तो 1 रख के देखते हैं, तो 1 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू 1 माइनस का 5, कितना आ गया, 1 का क्यूब 1 माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 5। तो ये सभी तो माइनस में ही है और ये प्लस में है, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 के इक्वल तो नहीं आएगा कभी। ठीक है, तो अब 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो मतलब ये इसका फैक्टर नहीं होगा। कोई बात समझ में आ रही है, हम यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का यूज कर रहे हैं। फैक्टर थ्योरम का मतलब ये है कि x की वैल्यू रख के देखो, जैसे हम फैक्टर में करते थे, फैक्टर थ्योरम में क्या होता था, x की वैल्यू हम रखते थे और अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब वो उसका फैक्टर है, इक्वेशन का फैक्टर है। तो इस तरह से हम इसको करते हैं, 1 रख के देखा हमने, अब हम माइनस 1 रख के देखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 रख के देखते हैं, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस का 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू माइनस का 1 और माइनस का 5। तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस होता है और यहां पे हो जाएगा माइनस का 3, यहां पे कितना हो जाएगा, प्लस का 9 और लास्ट में आ गया माइनस का 5। अब देखते हैं, तो माइनस 1 और माइनस 3 कितना होता है, माइनस का 4 होता है, और माइनस का 4 और माइनस का 5 कितना हो जाता है, माइनस का 9 और प्लस का 9। देखिए अब रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ठीक है, फैक्टर थ्योरम में हमने यही तो पढ़ा था
कि x की वैल्यू इक्वेशन में रखो और अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो वो उसका फैक्टर होता है, ठीक है। यानी देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस वन, और अगर हम इसको इधर ले आए x प्लस वन इक्वल टू जीरो इज अ फैक्टर ऑफ, इसको अगर हम p मान लें तो क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ px, ठीक है, फैक्टर ऑफ px बन जाएगा, ठीक है। x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका फैक्टर हो गया। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि फैक्टर का मतलब है सभी x के फॉर्म में लिखा हो और सब में x की पावर कितनी होनी चाहिए, वन, ठीक है। कभी कभी टू भी आ जाता है लेकिन वो फैक्टर ना हो, मतलब फैक्टर होना बंद हो जाए उससे, ठीक है, तभी हम सॉल्व करना बंद कर देते हैं। तो अभी तो ये फैक्टर हो सकता है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x प्लस वन आया है इससे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यानी x प्लस वन से अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5। तो देखिए यहां पे क्या है, x की पावर 1 और यहां पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, क्यूब। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर को जब x से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x क्यूब, और x स्क्वायर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास प्लस का x स्क्वायर। यही करना होता है, पहले हमें सेम सेम बनाना होता है, उसके बाद उसको पलट देना होता है, अपोजिट साइन कर देने होते हैं। तो दोनों ही प्लस के हैं, साइन क्या कर देंगे, माइनस के, ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, दोनों माइनस के हैं, क्या हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर। अगला टर्म बता देते हैं, माइनस 9x और माइनस का 5 हमने उतार दिया सारा जितना भी बचा था। अब देखिए x है यहां पे और यहां पे क्या है, माइनस का 4x स्क्वायर है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 4x को जब x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर, और माइनस 4x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4x, फिर से साइन चेंज करते हैं, प्लस प्लस, तो ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस 9x और प्लस का 4x कितना आ जाएगा, माइनस का 5x, और अगला टर्म उठा लेते हैं, माइनस का 5, कुछ बात समझ में आ रही है, ठीक है, माइनस का 5। तो अब देखिए, अब यहां पे माइनस का 5x और यहां पे x है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 1 से। तो माइनस 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, माइनस के 5 से करेंगे, तो माइनस 5 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5x, और माइनस 5 को जब 1 से करेंगे तो माइनस का 5, फिर से साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस, देखिए दोनों ही क्या हो गए, कैंसिल हो गए, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। कुछ बात समझ में आई, पहला काम हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद हमें चेक करना है कि किस वैल्यू पे 0 रिमाइंडर आ रहा है, जिस वैल्यू पे 0 रिमाइंडर आएगा वो उसका फैक्टर हो जाएगा इस इक्वेशन का। तो x इज इक्वल टू माइनस वन था, इसको हम इधर लेके गए, मतलब x प्लस वन इक्वल टू जीरो हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस x प्लस वन से ही पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमने देखा क्या मिला, क्वेश्चन जो है इतना मिल गया, रिमाइंडर अभी भी जीरो है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 5 जो है वो किसके बराबर है, x प्लस वन, एक तो इसके और इसके दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है, ठीक है, इन दोनों के ही मल्टीप्लाई के बराबर है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, अब हमें फैक्टर किसका करना है, केवल इसका करना है फैक्टर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 का फैक्टर करना है। तो देखिए माइनस 5 है यानी 5 बन जा 5, और माइनस करने पर हमें कितना लाना है, 4 लाना है, तो 5 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, x प्लस 1, यहां ब्रैकेट लगा रहे बड़ा वाला, एक्स स्क्वायर क्या कर दे रहे 4 की जगह, 5 माइनस का 1x और माइनस का हमारे पास आ गया 5। तो आ गया हमारे पास x प्लस 1 और इधर एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 और x हमारे पास इधर वाला है, पर इस माइनस को इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1x और लास्ट में माइनस का 5। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों से कॉमन लेना है और इन दोनों से कॉमन लेना है।
एक्स प्लस वन क्या जाएगा, x कॉमन लेंगे, x माइनस का 5, प्लस का 1 कॉमन लेंगे, x माइनस का 5, तो आ जाएगा क्या हमारे पास आंसर, x प्लस 1, फिर x माइनस 5, और लास्ट में ये x और 1 मिलके क्या बन जाएगा, x प्लस 1, तो ये हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है। क्या करना था हमें, पहले हमने डिवाइड किया था, जब डिवाइड कर दिया तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन बच गया, ठीक है, जो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, इसी क्वेश्चन को हम फिर से फैक्टर करेंगे, ठीक है, जैसे स्प्लिटिंग द मिड टर्म जो करते थे इससे पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे करते थे, तो इसी का फैक्टर किया और ये हमारे पास सॉल्व होके आ गया, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स क्यू प्लस 32x प्लस का 20। अगर हम इसमें भी कॉमन वाला प्रोसीजर लगा के देखिए स्टार्टिंग से ही, तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा, x प्लस 30, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करके ही करना है, ठीक है। तो अब देखिए x इक्वल टू अगर हम प्लस 1 रखते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि प्लस 1 रखेंगे तो सारी चीजें तो प्लस में ही है, कोई कैंसिल तो होना नहीं है, तो हम क्या रखेंगे, x इक्वल टू माइनस 1 रख के चेक करेंगे। माइनस वन जब रखेंगे, माइनस वन का होल क्यूब प्लस का 13 इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस का 32 इंटू माइनस वन और प्लस का 20, तो माइनस वन का होल क्यूब जो होता है वो होता है माइनस वन, ये माइनस वन का स्क्वायर है ये प्लस वन हो जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस का 30, ये हो जाएगा माइनस का 32 और ये लास्ट में है प्लस का 20। तो देखिए 20 और 13 और ये 32 और माइनस 1 कितना हो गया, माइनस का 33 और ये दोनों मिलके कितने आ गए, प्लस का 33, यानी कितना आ गया हमारे पास 0। बात समझ में आ रही है, कितना आ गया हमारे पास रिमाइंडर 0, रिमाइंडर क्या रखने में 0 आया था, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 और इसको जब इधर लेके आएंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर ऑफ, इसको हम मान लेते हैं px, फैक्टर ऑफ px, ठीक है, ये क्या हो गया, इस पूरी इक्वेशन का फैक्टर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, तो इसके बाद हमें इस x प्लस 1 से ही हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं, x प्लस 1 लिखा हमने और डिवाइड कर देते इसको, x क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस का 20 हमने लिख के, अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे x की पावर 1 है और यहां पे x क्यूब है, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से, बात समझ में आ रही है, ठीक है, x स्क्वायर से करेंगे, तो x स्क्वायर को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और दोनों के साइन क्या करते रहे, चेंज कर रहे, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, 13x स्क्वायर में से x स्क्वायर जब माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा, 12x स्क्वायर, क्लियर है बात, ठीक है, और प्लस का कितना आ जाएगा, ये वाला आगे के टर्म सारे उतार दे रहे हैं, यानी 32x और प्लस का 20, समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखिए 12x स्क्वायर लाना है आपको और यहां पे केवल x है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x से, तो 12x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 12x स्क्वायर और 12x को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12x, फिर से माइनस साइन चेंज कर दें, माइनस माइनस, तो ये और ये कैंसिल, 32 में से 12 गया कितना बचा, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, 20x प्लस का हो गया और लास्ट में प्लस का 20। अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 20 से मल्टीप्लाई, 20 को जब x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20x और 20 को जब 1 से करेंगे तो प्लस का 20, साइन चेंज कर दे रहे हैं, माइनस माइनस, देखिए ये भी कट गया ये भी कट गया, कितना आ गया 0 रिमाइंडर, बात समझ में आई, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 0। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जो x क्यूब है, इसका मतलब क्या है कि x क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस का 20, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर
प्लस का 12x और प्लस का 20। बात समझ में आ रही है? ये हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 20 के फैक्टर करेंगे, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी इससे पहले वाले फैक्टर, तो 20 के फैक्टर करेंगे, लिखते हैं फैक्टर करके। तो क्या आ जाएगा, 2 × 10 = 20 और प्लस करने पे हमें क्या लाना है, 12 लाना है, मल्टीप्लाई करने पर 20 लाना। देखिए यहीं पे दिख गया हमें कि 2 और 10 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बस हम यहीं पे फैक्टर कर देते हैं, आगे करने की जरूरत भी नहीं है हमें। तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, 12 की जगह हम क्या लिख देते हैं, 2 + 10 x और प्लस का 20। x प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 10x और प्लस का 20। अब देखिए x प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें हम लगा देते हैं बड़ा लाइन। इन दोनों से कॉमन क्या है हमारे पास, x कॉमन है तो x प्लस 2 आ गया, और इन दोनों से कॉमन क्या है हमारे पास, प्लस का 10, प्लस का 10 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 2। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इधर हम लिख दे रहे हैं x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2, ये x प्लस 2 यहां भी है, ये आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 10, ये बच गया। तो ये हमारा फैक्टर हो गया, बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 5th के 4th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का 4th पार्ट। तो 4th पार्ट क्या है, 2y³ प्लस का y² माइनस का 2y माइनस का 1। एक बार हम फिर से पुराने मेथड कॉमन मेथड पे चेक करते हैं। कॉमन मेथड से देखें कॉमन क्या मिल रहा है, y² कॉमन मिल रहा है, यहां क्या बच जाएगा 2y, यहां पे प्लस का 1, यहां पे दोनों अगर हम देखें तो दोनों केस में है माइनस में है, तो माइनस का 1 कॉमन मिल जाएगा, 2y प्लस का 1, 2y प्लस 1 यहां भी है, 2y प्लस 1 यहां भी है, दोनों को ही कॉमन बाहर हम निकाल लेते हैं, क्या बच जाएगा y² माइनस का 1। बात समझ में आ रही है, y² माइनस का 1। अब इस 1 को हम क्या लिख दे रहे हैं, 1 का स्क्वायर। तो अब हम इसमें क्या लगा देंगे, a² माइनस का b² का फॉर्मूला, क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी y माइनस 1 y प्लस 1। तो ये हमारा फैक्टर हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया ये हमारा क्वेश्चन। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या इसको पुराने मेथड से हम सॉल्व कर पा सकते हैं, यानी फैक्टर थ्योरम से, उस तरीके से भी देख लेते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे इसमें y की वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो अब देखिए कुछ प्लस के हैं कुछ माइनस के हैं, मतलब 1 रख के चेक करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1, मतलब ये सेकंड मेथड है हमारे पास, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 रखा, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 और माइनस का 1, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, कितना बचेगा 2, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1 माइनस का 2 माइनस का 1, तो देखिए प्लस 3 माइनस 3 कितना आ गया 0। therefore y इज इक्वल टू 1, या इसको इधर हम लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ये इस इक्वेशन का क्या है, फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यानी अब हम डिवाइड वाला काम कर लेते हैं, यानी y माइनस 1 है और दूसरी साइड क्या है हमारे पास, 2y³ प्लस का y² माइनस का 2y और माइनस का 1। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए y माइनस 1 है और यहां पे क्या है 2y³ है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2y² से, 2y² को जब y से करोगे तो आ जाएगा 2y³, और 2y² को जब माइनस 1 से करोगे तो आ जाएगा माइनस का 2y², तो ये माइनस कर देंगे और ये प्लस कर देंगे, तो ये और ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, प्लस का 2y² और प्लस का y² कितना आ गया 3y² अगला टर्म बता देते हैं, माइनस का 2y और माइनस का 1, अब कितने से जाएगा, तो यहां पे y की पावर 1 है और यहां पे 3y² है, तो प्लस का 3y से
थ्री वाई को जब y से करेंगे कितना आ जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर, और थ्री वाई को जब हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, थ्री वाई को जब हम माइनस वन से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का थ्री वाई, फिर से साइन चेंज करते हैं, माइनस और ये प्लस, कुछ बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पे ये प्लस और ये माइनस दोनों ही क्या हो जाएंगे, हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये प्लस का थ्री वाई और माइनस का टू वाई, कितना आ जाएगा, प्लस का वाई और यहां पे माइनस का वन। अब देखिए दोनों ही सेम सेम दिख रहे हैं, जब ऐसा दिखेगा तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस के वन से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस वन को जब इससे करेंगे वाई आ गया और माइनस का वन आ गया, साइन चेंज किया, माइनस प्लस, ये भी कट गया ये भी कट गया, बात समझ में आ गई होगी। मतलब अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है किस फॉर्म में हो गई, हमारे पास टू वाई क्यू प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का टू वाई माइनस वन इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस वन और आगे टू वाई स्क्वायर प्लस का थ्री वाई प्लस का वन, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि वन के फैक्टर करने के प्लस करने पर थ्री है, लेकिन आपको इधर इसको भी देखना है, y स्क्वायर के पहले जो 2 नंबर लिखा हो, मतलब पहला काम क्या करना है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 प्लस 1 जब आप करोगे तो देखिए 3 भी आ रहा है, तो बात समझ में आ रही है, 2 प्लस 1 कर रहे हो तो आपका 3 भी आ रहा है, मतलब फैक्टर हो गया हमारे y माइनस 1, हम बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, 2y स्क्वायर और 3 की जगह हम लिख दे रहे हैं 2 प्लस 1 y और प्लस का 1, तो y माइनस वन टू वाई स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का टू वाई इसको इससे, प्लस का y प्लस का वन, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो अब इन दोनों से देखिए कॉमन क्या है, तो इन दोनों से कॉमन क्या है, टू वाई स्क्वायर है और यहां पे प्लस का टू वाई है, तो टू वाई कॉमन है, मतलब जो दोनों में है, टू देखिए दोनों में है और वाई स्क्वायर और वाई है, तो मतलब वाई दोनों में है, यहां क्या बच जाएगा, y बच जाएगा, यहां पे क्या बच जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब प्लस का 1 दिख रहा है, प्लस का 1 कॉमन लिया तो क्या बच गया, y प्लस 1। तो अब देखिए आ गया हमारे पास क्या, y माइनस 1 फिर y प्लस 1, y प्लस 1 यहां पे है, इसको कॉमन ले लिया और क्या बच गया, 2y प्लस का 1, देखिए ये वाला आंसर आ गया हमारे पास, और देखिए यहां पे हमने जो किया था ये वाला, दोनों आंसर सेम ही, चाहे आप इस मेथड से करिए चाहे आप इस मेथड से करिए, लेकिन ये वाला जो मेथड है सबके लिए लगेगा और ये वाला मेथड कुछ ही के लिए लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगी चीजें। तो इतनी सारी चीजें हमने इस एक्सरसाइज में कर ली और हमारी एक्सरसाइज भी जो हो गई वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको लगे आपको प्रैक्टिस करनी है, लगाना है उस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल्स भी लगाने हैं आप लोगों को, कोई एग्जाम्पल में अगर डाउट आता है तो मुझे मैसेज करिए, बताइए मुझे कि कौन से क्वेश्चन में डाउट है, मैं उसका एक वीडियो बना के आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आज की चीज इतनी खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।